नगरी निकाय और जनपद के उपचुनाव का परिणाम मंगलवार को घोषित हो गया है। मतदाताओं ने उपचुनाव में भी रतलाम के वार्ड 31 में भाजपा प्रत्याशी करण केतवास को और जनपद सदस्य वार्ड 21 में भाजपा की प्रत्याशी सुनीता गिरवाल को चुना है। रतलाम नगर निगम के वार्ड क्रमांक 31 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केतवास ने 3 प्रतिद्वंदी को पछाड़ते हुए 219 मतों से विजय प्राप्त की है। रतलाम जनपद सदस्य के उपचुनाव में भाजपा की सुनीता ने निकटतम प्रतिद्वंदी से 2189 मतों से विजय प्राप्त की। शुक्रवार को रतलाम नगर निगम के वार्ड 31 के पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुआ था। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के अलावा दो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे और 63.01% मतदान हुआ था। पुरुष मतदान का प्रतिशत 64.84% तथा महिलाओं का मतदान प्रतिशत 61.06% रहा था। यह उपचुनाव वार्ड क्रमांक 31 में भाजपा पार्षद अशोक जोनवाल के बीमारी से निधन के कारण करवाना पड़ा था। भाजपा ने करण केतवास और कांग्रेस ने मुकेश केतवास को मैदान में उतारा था और दो निर्दलीय प्रत्याशी थे। रतलाम जनपद में भी फूल खिला है। रतलाम जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 21 में भी शुक्रवार को उपचुनाव हुए थे। यह सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि पूर्व में जनपद सदस्य रही ज्योति निनामा ने संविदा वर्ग 3 में चयन होने पर इस्तीफा दे दिया था। इससे सदस्य का पद रिक्त था। जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 21 में भाजपा से सुनीता शिवनारायण गिरवाल तो कांग्रेस से पुंजली गुलाब बिलवार मैदान में थी। यहां से कलाबाई रघु निनामा, सीमा सोनू गरवाल और निर्मला अजय निनामा भी चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरी थी। चुनाव परिणाम की घोषणा में भाजपा प्रत्याशी सुनीता गिरवाल को 3592 मतों की प्राप्ति हुई, जबकि निर्मला निनामा को 1403 मत और कांग्रेस प्रत्याशी पुंजली बाई को महज 938 मतों से संतोष करना पड़ा। इस मान से भाजपा प्रत्याशी सुनीता गिरवाल ने 2189 मतों से जीत हासिल की। नगरी निकाय और जनपद पंचायत के उपचुनाव में भाजपा की जीत को जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा ने कार्यकर्ताओं और पार्टी की नीतियों और विकास की जीत बताते हुए कहा। आज एक नगर निगम का वार्ड नंबर 31 का चुनाव था और जनपद पंचायत वार्ड नंबर 21 का चुनाव था। दोनों में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त की, इसका श्रेय मैं कार्यकर्ताओं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी का शासन की जो योजना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है, वो योजनाओं के आधार पर जिस प्रकार भाजपा सरकार ने जो काम किया, काम करने को जनता ने, जो दोनों हमारे वार्ड खाली थे इनको जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को चुना। इसलिए मैं दोनों प्रत्याशियों से भी आग्रह करूंगा कि जनता की सेवा में खड़े उतरे और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, इनका काम, इन सभी कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय देता हूँ। उनको पुनः जितने उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ और इनसे आशा करता हूँ कि जनता के बीच में अपनी सेवा करे 5 साल। कुल क्या जीत का अंतर कितना रहा? 2183 वोट से जनपद पंचायत जीते और नगर निगम का अभी मेरे टेलीफोन दूरभाष से बात हुई तो 200 कुछ ऊपर वोट बता रहे, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन जीत दोनों जगह मिल गई हमारे को। नगर निगम की सेवानिवृत्त इंजीनियर ने उस समय हद पार कर दी जब एक नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका मुंह दबा दिया। बालिका ने बचाव के लिए शोर मचाया तो उसके माता पिता आदि वहां पहुंचे तथा महेंद्र कुमार जैन को पकड़ लिया तथा पुलिस को सूचना दी। माणकचौक थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा और महेंद्र कुमार जैन को पकड़ा तथा वाहन में बैठा कर थाने ले गए। बालिका के स्वजन भी बालिका को लेकर थाने पहुंचे, महेंद्र कुमार जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी महेंद्र कुमार जैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी नगर निगम में इंजीनियर रहे एम के जैन 65 साल के हैं और नाबालिग बेटी सिर्फ 11 या 12 साल की है, जो श्री जैन की किराएदार की बेटी होना बताई जाती है। बावजूद इसके श्री जैन को इस तरह की हरकत करने में भी शर्म नहीं आई। खबर के मुताबिक बेटी धूप लेने दोपहर को छत पर जा रही थी, इसी दौरान चढ़ाव पर बेटी को जाते देख जैन भी जल्दी जल्दी चढ़ाव पर गए और बेटी का मुंह दबाकर छेड़छाड़ करने का प्रयास करते। इससे पहले ही बेटी ने शोर शराबा मचा दिया और परिजन तत्काल पहुंच गए थे। मामले की जानकारी देते हुए माणक चौक थाना पुलिस प्रीति कटारे ने बताया। बालिका के साथ छेड़छाड़ की थी, क्या मामला था? जी बिल्कुल सही है, एक बालिका अपने परिजनों के साथ आई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी बालिका के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस पर से
आईपीसी पॉस्को व एसटीएससी के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर ली गई है। आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और जिसको न्यायालय पेश करेगा। आरोपी को किसी पद पे था क्या? जी, आरोपी का नाम है महेंद्र कुमार जैन, पिता समृतमल जैन, ये रिटायर्ड इंजीनियर है नगर निगम से। मंत्री जी के शहर में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बताया जाता है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से संसाधन विकलांग होकर शोपीस बने पड़े हैं और मृतकों के परिजनों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ताजा मामला मंगलवार का है, जब कीटनाशक दवा के सेवन से उपचाररत एक युवक मनीष डाबर की मौत हो गई। ग्राम भगतपुरा कला थाना शिवगढ़ निवासी है। मृतक मनीष डाबर के परिजन पीएम के लिए शव मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए परेशान रहे। मृतक के परिजनों को नगर निगम और जिला अस्पताल से शव वाहन तक उपलब्ध नहीं हो सका। परिजन शव वाहन के लिए घंटों अस्पताल पुलिस चौकी में बैठे रहे। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और कलेक्टर तक को फोन किया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने मोबाइल रिसीव करना तक उचित नहीं समझा। सुने परिजनों की पीड़ा। बावरलाल, कहाँ रहते हो? बकतपुरा कला। यहाँ चौकी पे बैठे हो, किस बात को लेके बैठे हो? हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जो लड़का मतलब जो दवाई कुछ कीटनाशक कर किया था उसको मृत्यु हो गई है, उनको पीएम के लिए ले जाना है। उसको एक डेढ़ घंटा दो घंटे हो गए हमारे यहाँ बैठे हुए, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही। नगर पालिका फ़ोन लगाया, उनकी भी कोई गाड़ियाँ सर्विसिंग पे पड़ी हुई है, कोई गाड़ियाँ नहीं है अवेलेबल। हमने बोला गाड़ियाँ नहीं है, और कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया नहीं है, इसीलिए हम बैठे हैं। अब आप क्या करोगे, क्या कर सके? हम दो घंटे से अभी बैठे हुए हैं और फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, अभी इंतज़ार में बैठे। हम गरीब इंसान हैं, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ गाड़ियों की व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। आप यहाँ पे सिविल सर्जन के पास भी गए थे, क्या हुआ, क्या कुछ फ़ोन लगवाया किसी से क्या? सर आए थे हम पुलिस चौकी, आए थे, फ़ोन लगवाया, नंबर दिया तो कोई फ़ोन नगर पालिका का नंबर दिया था, लगाया तो वो कुछ गाड़ियाँ सर्विसिंग पे पड़ी। कहाँ से आए आप, कहाँ के रहने वाले? बकतपुरा कला शिवगढ़ के आगे। किसकी मृत्यु होगी? मृत्यु हो गए मनीष डामर, गांव बकतपुरा कला। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हज़ार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो दो दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07412356268 6263791851। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी पुलिस ने सुरक्षा अभियान चलाया है। जीआरपी पुलिस ने यात्री ट्रेनों में कोच में निरीक्षण कर यात्रियों से जानकारी ली। रेलवे पुलिस ने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से कोई समस्या हो तो बताने को कहा। वहीं अकेली महिला यात्रियों से भी सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। जीआरपी पुलिस ने कोच के दरवाजे पर बैठे यात्रियों को अंदर बैठने को भी कहा। रास्ते में मत बैठो।
अभियान की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी रामभरण सिंह कुशवाहा ने बताया, ये श्रीमान स्पेशल डीजी महोदय रेल मुख्यालय भोपाल एवं आईजी महोदय रेल मुख्यालय भोपाल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल इंदौर के मार्गदर्शन में उनके आदेश से रेल सुरक्षा यात्रा सप्ताह मनाया गया दिनांक 2/1/24 से और दिनांक 8/1/24 तक। सर, इसमें कैसे यात्रियों की सुरक्षाओं को लेकर के कैसे जागरूकता दी गई, क्या बताया गया, क्या समझाइश दी गई? इसमें जैसे अकेली महिलाएं कोई यात्रा कर रही तो कोच में चढ़ के यात्रा करने वाले वो लेके रिजर्वेशन चार्ट में देख के कि अकेली महिला कौन यात्रा कर रही, उसके पास जाके उससे पूछा किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, और बुजुर्ग जो बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा करते हैं उनके संबंध में उनसे के पास जाके उनसे पूछताछ की किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, और अपने रेल रक्षा समिति के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। अच्छा, आगे रेल पुलिस या आपके द्वारा यात्रियों के लिए किस तरीके की सुरक्षा प्रदान की जाएगी या किस तरीके से यात्रियों को ट्रेनों में जो होने वाले हादसे हैं या घटनाएं दुर्घटनाएं उनको रोकथाम के लिए किस तरीके से उनको रोकथाम के लिए उनको यात्रा करने वाले यात्रियों को समझाया गया कि भाई किसी प्रकार की अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की चीज़ ना ले ना खाएं और अपना सामान किसी के भरोसे छोड़ के ना जाएं, ऐसी उनको समझाइश दी गई यात्रा के दौरान जो जिससे सफल यात्रा हो सके।